हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विंटर फ्लावर की, जो कि आप कटिंग से लगा सकते हो। नंबर पहले पे आता है हमारे यहाँ पेंजी का प्लांट। पेंजी का प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस समय अगर आप किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं तो वो बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है और छोटे से ही प्लांट में फ्लावरिंग करना शुरू कर देती है। नंबर दो पे है डाइंथस। डाइंथस बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी आप 2 इंच की कटिंग ले लीजिए और लगा दीजिए तो जल्दी से ये प्लांट आपकी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। नंबर तीन पे है वर्बीना। वर्बीना बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं, एक बहुत छोटा सा फूल आता है जो कि इस तरीके से होता है, देखिएगा, और ये फिर बंचिंग में फूल फ्लावरिंग करता है। इसमें भी बहुत सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है नंबर चार पे पिटूनिया। पिटूनिया को तो सभी लोग पसंद करते हैं। डबल जो पेटल वाला होता है, डबल कलर वाला पिटूनिया जो होता है, वो बेहद खूबसूरत होता है। इसमें सिंगल भी आता है, सिंगल भी आप लगा सकते हो। पिटूनिया की कटिंग भी आसानी से ग्रो कर जाती है। मैंने नेक्स्ट ईयर बहुत सारी पिटूनिया की कटिंग लगाई थी जो कि मेरी सारी कटिंग्स आसानी से चल गई थी। तो आप इस तरीके से ड्यूरो प्लांट भी पिटूनिया के तैयार कर सकते हो। नंबर पाँच पे आता है डहेलिया। डहेलिया की आप बर्ड देख ही रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी होती है। डहेलिया का फूल बहुत बड़ा होता है साइज में। इसको भी आप कटिंग से इस समय बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो, बहुत तेज़ी से सर्वाइव करेगा। देखिए, इसका बहुत बड़े साइज में फूल होता है, येलो है, वाइट कलर है। नंबर छः पे बोगनविला। बोगनविला को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे देखने के लिए। इसमें येलो आता है, रेड आता है और पिंक आता है। अभी मेरे पास ये तीन ही हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है पॉइनसेथिया। पॉइनसेथिया विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसकी पत्तियाँ जो होती है, फूल नहीं होता, लेकिन इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर है और आपको मैंने रेड कलर दिखाया है। आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और नंबर आठ पे आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस देखिए आप, कितना बड़ा फूल है इसका। इसको भी आप इस समय अगर कटिंग से लगाते हैं तो ये प्लांट आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप इसकी बर्ड देखिए, कितनी मोटी मोटी बर्ड्स हैं। इसमें भी बहुत सारे आपको कलर देखने के लिए मिलेंगे। आप किसी भी कलर की कटिंग आप ले सकते हो और लगा सकते हो। इसको तो आप जानते ही हो, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की भी अगर छोटी से छोटी कटिंग हम इस समय लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। अगर आपके पास एक प्लांट होता है तो फ्रेंड्स, उसी कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो प्लांट आता है वो गजानिया। नंबर 10 पे गजानिया का फूल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसमें बहुत सारे कलर और बहुत सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो ये प्लांट जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। नंबर 11 पे कैलेंडुला। कैलेंडुला की कटिंग लग जाती है। कैलेंडुला की कटिंग मैंने पहले लगाई थी, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। इसका भी बहुत सुंदर फूल होता है। नंबर 12 पे आता है जरेनियम। जरेनियम भी सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। बहुत छोटा सा प्लांट होता है। ये है प्रिमरोज। ये थोड़ा और प्लांट से थोड़ा महंगा आता है प्रिमरोज। प्रिमरोज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। नंबर 14 पे है हमारा ये रोज़। रोज़ में भी आपको एक से एक वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर ये जो मैं रोज़ आपको दिखा रही हूँ, ये देसी है और इसका कलर आप देख ही सकते हो, कितना सुंदर। और ठंड में तो गुलाब के जो फूलों का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद है हमारा ये साल्विया। नंबर 15 पे आता है साल्विया के प्लांट को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। विनका, विनका में एक से एक कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। विनका की जितनी छोटी से छोटी कटिंग आप लगाओगे तो उतनी ही जल्दी से इस प्लांट की जो है कटिंग अच्छे से चल जाती है। गुलदावरी, इसे सर्दियों की रानी कहते हैं, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें नीचे से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उसको भी आप बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिलेंगे। मेरे गार्डन में अभी वाइट है और ये देखिए कैरेट कलर है और रेड कलर है। तो चलिए कटिंग लगाना शुरू करते हैं। मैंने सभी प्लांट्स की कटिंग ले ली है। यहाँ पर मैंने ली है
तो हमारा गुलदावरी है, पिटूनिया है और डॉग फ्लावर है। मैंने यहाँ पर सभी की छोटी छोटी सी कटिंग्स ले ली हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, बहुत हल्की मिट्टी तैयार करनी है, सैंड लेनी है और सॉइल लेनी है, उसी में आपको अपनी सारी कटिंग इस तरीके से लगा देनी है। ये डॉग फ्लावर की कटिंग है। मिट्टी आपको बिल्कुल हल्की रखनी है और बहुत अच्छे से आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। मैंने कुछ समय पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी, ये पिटूनिया की कटिंग है। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने सीड्स ग्रो किए हैं और कुछ मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए ये वर्बीना की कटिंग लगाई थी, इसमें आप रूटिंग देख ही सकते हो कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है। आज मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रूटिंग हो गई है। और ये पिटूनिया की है, पिटूनिया का भी देखिए इसमें भी हल्की हल्की सी रूट्स आ गई हैं। तो इस समय अगर अभी दिसंबर का मंथ है, इस समय अगर छोटी सी छोटी कटिंग आप लगाओगे ना, जैसे अगर आज आपने कटिंग लगाई है ना, तो दो दिन के बाद ही आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। दो दिन के बाद ही ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और एक हफ्ते के बाद तो ये कटिंग्स जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने ये हिबिस्कस की भी कटिंग ली थी, 4 इंच की कटिंग मैंने इसको ली है। 2 इंच जो है मिट्टी में हम इसको दबा देंगे और 2 इंच हम इसको ऊपर रखेंगे। जो ऊपर बर्ड्स थी उसको कट कर दिया और जितनी भी इसकी पत्तियाँ हैं मैंने उसको हाफ कट कर दिया, क्योंकि अब इसमें रूट्स नहीं है तो ये खाना नहीं बना पाएगा। इस तरीके से हम जो है इसकी कटिंग को लगा देंगे। ये डाइंथस की कटिंग है, डाइंथस की कटिंग भी इस तरीके से हम लगा देंगे। तो देखिए आप फ्रेंड्स, आपके पास जो भी विंटर फ्लावरिंग का प्लांट है